अभी हम चतुर्भुज मंदिर आए हैं, सामने देखिए लिखा है ना द चतुर्भुज टेम्पल, 9th century AD का है। यहाँ पर विष्णु भगवान का एक समय पर मंदिर हुआ करता था, अभी मूर्ति खंडित हो चुकी है हमें जैसे दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमने वर्ल्ड का सेकेंड ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग जीरो देखा है। नीचे भले ऐसा लिखा हुआ है ग्वालियर रीजन का, वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगता है देखकर, लेकिन ऐसा मैंने बहुत जगह पढ़ा और काफी लोगों से सुना भी है कि ये वर्ल्ड का सेकेंड ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग जीरो है। एक मिनट पहले ना थोड़ा सा लाइट डाल के देखा भी था, जो नंबर लिखा गया था उसके अंदर जीरो का इस्तेमाल किया गया है। तो कहीं पर भी आप पढ़ेंगे ग्वालियर इंस्क्रिप्शन, तो इसका मतलब है इस इंस्क्रिप्शन की बात हो रही जहां पर जीरो का इस्तेमाल किया गया है। तो मैं आपको हिंट के तौर पर यह बात बता रहा हूं। तो जब आप ग्वालियर फोर्ट विजिट करने आएंगे तो आपको यहाँ पर भी आना चाहिए, ज्यादा लंबा दूर नहीं है, मुश्किल से फोर्ट की किले के डायमेंशन के बारे में अगर आप जानोगे तो आप हैरान रह जाओगे। ये किला 2.5 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा और 104 मीटर ऊंचा है। इस किले की खूबसूरती जानने के बाद आप इस किले के दीवाने हो जाओगे। द ग्वालियर फोर्ट एमपी में स्थित ये किला महाराजा पान सिंह ने बनवाया था। यहाँ की दो जगह मान मंदिर और गुजरी महल, इन दो जगह पर आपको इंडियन आर्किटेक्चर की लेजेंडरी कार्विंग और क्राफ्टमैनशिप देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एक बड़ा कुंड है जिसे जौहर कुंड कहते हैं, कहीं सालों तक का पानी स्टोर किया जा सकता है। यहाँ जाता है यहाँ ऐसी बहुत सारी खूबसूरत जगह थी जो आपको जीते जी स्वर्ग का एक्सपीरियंस करा सकती है। लेकिन 16th century में मुगलों ने इस किले की कई खूबसूरत जगहों को स्वर्ग से नर्क की यातना देने वाली जगहों में बदल दिया। लेकिन 19th century में जब मराठा एम्पायर का इन्वेजन हुआ तब इस किले को अपनी असली पहचान मिली और ग्वालियर को बना दिया था कैपिटल। और तब से लेकर आज तक ये महल है भारत की आन बान और शान। अगर आप इंडियन है तो एक बार इस किले को विजिट कीजिए और हमारे एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर्स के बारे में और जानिए। अच्छा लगा तो इस वीडियो को, जो कि एक सैंडस्टोन चट्टान से बना है। इसकी लोकेशन की बात करें तो रणनीतिक रूप से इसे इतनी ऊंचाई पर बनाया गया था कि पूरे राज्य पर बराबर नजर रखी जा सके। समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई नापे तो यह 1000 मीटर से शानदार किलों में से एक था। ग्वालियर ने राजाओं और हमलावरों को कामयाबी की बुलंदी छूते और जमीन पर आते देखा है। इसने कई हिंदू वंशों, तुर्कों, अफगानों, मुगलों, मराठों और अंग्रेजों का शासन देखा है जो शायद ही किसी और किले ने देखा हो। 18वीं सदी के आखिरी दिनों में मराठा सिंधिया वंश ने सत्ता संभाली। उनके शासनकाल में ग्वालियर 60,000 square kilometers में फैला था। भारत की आजादी तक ये किला एक ब्रिटिश पोस्ट बना रहा। ये किला कब बना था इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, सिर्फ मिथक और कहानियां ही हैं। ग्वालियर के किले का रिकॉर्डेड इतिहास करीब 1300 साल पुराना है। माना जाता है कि यहाँ शुरुआत में 7वीं से 15वीं सदी के बीच जैन धर्म के गुफा मंदिर बनाए गए थे। पत्थर से बनी कई मूर्तियों में से एक है जैन धर्म। चाय पी रहा होता हूँ, गेट से अंदर जा रहा होता हूँ, चलते चलते सुंदर नजारे देख रहा होता हूँ, तभी मुझे कुछ दोस्त मिलते हैं और पता नहीं क्यों ये मुझे कहते हैं चलो मैं आपको अपने साथ ग्वालियर का किला दिखाता हूँ, पर किला छोड़कर ये मुझे कुछ और ही दिखाने लगते हैं। तभी मेरी नजर शाहजहां महल पे पड़ती है, पुराने गुंबद, नक्काशी, झरोके, जिसमें से दिखते नजारे मैं क्या ही बोलूं। चलते चलते मैं पूरा महल देखकर जैसे ही बाहर आता हूँ तो मुझे पानी से भरा चोर कुंड दिखाई देता है। क्या ये वही कुंड है जहाँ पे 1400 औरतों ने अपनी जान दी थी। धूप में चलते चलते मैं थक कर बैठ जाता हूँ और सोचता हूँ काश मैं भी सूर्य सेन के दौर में जा सकता जब ये 8वीं शताब्दी में ये किला बनकर तैयार हुआ था। फिर मैं पैदल पैदल ग्वालियर देखने के लिए चल देता हूँ। Expanded and renovated by successive rulers, including the Mughals and the Sindhias. The fort's location at the crossroads of several important trade routes allowed its rulers to control the flow of goods and people through these routes. The fort's massive walls, towers, and gates provided excellent protection against invading armies, making it an impregnable fortress. Gwalior.
Gwalior Fort is a famous historical landmark located in the city of Gwalior in Madhya Pradesh, India. Here are some of the famous things about the Gwalior Fort. Man Singh Palace. The Man Singh Palace is one of the most popular attractions in the fort. The palace has several rooms and courtyards, including the Divan Eam and the Divan Ekos. Telika Mandir. The Telika Mandir is a beautiful temple located inside the Gwalior Fort. The temple is believed to have been built in the 9th century and is dedicated to Lord Vishnu. Sasbahu Temple. The Sasbahu Temple is another popular temple located inside the Gwalior Fort. The temple is believed to have been built in the 11th century and is dedicated to Lord Vishnu. Light and Sound Show. The Gwalior Fort also hosts a popular light and sound show, which showcases the history and culture of the fort. The show is conducted in the evening and attracts many tourists. तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग आए हैं ग्वालियर का किला घूमने के लिए। जो ऊपर साइड दिखाई दे रहा है वहां तक हमें खुद चल के जाना है क्योंकि वहां कोई व्हीकल अलाउड नहीं है। अभी सुबह के 6 बज रहा है और हम लोग सबसे पहले चाय पिए, उसके बाद में हम लोग निकल गए। और ये बाहर का गेट था और ये अंदर का गेट था, और जैसे जैसे किला पास आ रहा था हम लोग का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता जा रहा था। और हम लोग यहाँ से अपना सफर शुरू कर रहे हैं। आधा चढ़ने के बाद में हम लोगों की हालत इतनी खराब हो गई थी क्योंकि पूरा पसीने में सब लोग लथपथ हो चुके थे क्योंकि हाइट इतनी थी उसकी कि चढ़ते चढ़ते भगवान नजर आ गए थे। फिर थोड़ा हम लोग बैठ के रेस्ट कर लिए ताकि आगे का सफर तय कर पाए। आगे चल के हमने देखा कि ऊपर से ग्वालियर इतना सुंदर दिखाई देता है, पूरी छोटे 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 घर दिखाई दे रहे थे। और आखिर हम लोग टॉप पे पहुंच गए। और यकीन मानिए ये फोर्ट इतना खूबसूरत है, ब्लू कलर की जो डिटेलिंग दी है बहुत ही सुंदर है। और चार चीज और है देखने के लिए सेकेंड पार्ट। Your fort.